दिखने लगता है, ये सारी चीज़ होती है, बट छोले का इतना अच्छा रहता है और इतना लाइट वेट रहता है पूरा खाना, मतलब आप एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, आई हैव एंटर्ड द सेंट्रल किचन ऑफ छोले एंड ये देखिए इनका सेंट्रल किचन। अच्छा, बिफोर वी एंटर ये देखिए, काफ़ी बड़ा है और एकदम ही ऑर्गेनाइज्ड किचन है, राइट, काम चल रहा है। एंड वी वांट टू थैंक मिस्टर राजीव माटा कि उन्होंने बिजी स्केड्यूल में भी हमें किचन में अलाउ किया। थैंक यू सो मच सर फॉर अलाउइंग अस इन द किचन। वेलकम मोहसिन, इट्स अवर प्लेजर एंड छोले वेलकम्स यू। ओके, तो सर अभी सबसे पहले छोले का जो मेन सुपर हीरो छोले, अभी हम छोले बना रहे हैं, छोले नहीं दिखा रहे तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, तो विल स्टार्ट विद छोले भटूरे की रेसिपी। एब्सोल्युटली। ओके, सो आज हमारा जो सीक्रेट है वो पब्लिक के लिए बाहर हो रहा है थ्रू एंड वाया मोहसिन। थैंक यू सर। तो यहाँ पे सेटअप लग चुका है पूरा। सेटअप लग चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम चने लेते हैं जी, हाँ, सो दे आर, दिस इज व्हेन दे आर रॉ, जब वो कच्चे होते हैं वैसे रखते हैं, फिर उनको हम पूरी रात भिगो के रखते हैं। भिगोने के लिए उनको जिस पानी में हमने रखा हुआ है और ये भीग के इतने बड़े हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग तीन उंगली ऊपर कुकर में, प्रेशर कुकर में तीन उंगली ऊपर पानी लेके जब बॉईल करते हैं, तीन सीटी में आपको ऐसे ये चने गले हुए मिल जाएंगे। अच्छा, तीन सीटी में, तीन सीटी में। और सीटी के टाइम पे कुछ मसाला वसाला कुछ डालना है? कुछ नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ आपको चने उबालने हैं। और चने चूंकि सब एक साइज के हैं तो इनको उबालने में हमको किसी केमिकल का जो लोग यूज करते हैं सोडा, हाँ, उसका यूज नहीं करना, नहीं करना। ओके, और सब बहुत प्यारे गल जाते हैं और इनको टेस्टिंग का जो एक टेस्ट माना जाता है जी, जी। कि इसको सामने वाली दीवार पे फेंक के मारो चिपक जाएगा। चलिए, अभी पहले सबसे पहले हमने तेल डाला इन्होंने पैन में और तेल को जैसे हल्का सा गर्म करेंगे और फिर ये डाल देंगे इसमें जीरा तड़कने को जी। तेल गर्म हो गया, अब जीरा डालेंगे इसमें, एक छोटा चम्मच जीरा डाला। हाँ, जीरा को हम लोग बोलते हैं क्रैकलिंग साउंड आने तक उसको भूनना है जी। बस ज्यादा टाइम नहीं, तुरंत उसके अंदर हम जो एकदम बारीक कटा हुआ प्याज है उसको डाल देंगे जी। लो फ्लेम में भूनना है, बस लगना नहीं चाहिए, हिलाते रहना चाहिए। और जो प्याज जो है ना, अगर ब्राउन होने के बाद कुछ ऐसा होना, हाँ, प्याज ब्राउन होने के बाद वो ऐसा होगा। अच्छा, ओके, हाँ। और प्याज का बहुत खास ध्यान रखना होता है कि अगर वो ब्राउन नहीं हुआ तो ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी जी। और प्याज अगर थोड़ा सा कच्चा भी रह जाता है तो ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये आपको, अच्छा सर, ये भुना हुआ प्याज हमने भुनने के बाद ऐसे स्टोर भी करके रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, मुझे खाने की एक ही साइंस है, खाने को अगर आपको स्टोर करना है या तो 10 डिग्री से नीचे रखो या 60 डिग्री से ऊपर रखो, स्टोर रह सकता है। हाँ, ओके, अगर खाना गर्म है तो खराब नहीं होगा, खाना ठंडा है तो खराब नहीं होगा। ओ वाओ, 10 से 60 डिग्री के बीच में अगर आपने खाना छोड़ गया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसको स्पॉइल करेंगे और वही खाना खराब होता है। अच्छा, हाँ, ये डाल रहे हैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाँ, दो टीस्पून डाला है। गाइस, सीक्रेट रेसिपी ऑफ छोले फ्रॉम द ब्रांड छोले बनने के बाद आप भी कहेंगे ओले ओले, विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड डोंट स्किप द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। नई रेसिपी सीख रहे हो तो थोड़ा आप धीरज रखें। अच्छा, मिस्टर राजीव माटा इज शेयरिंग द रेसिपी एंड फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। जैसे जैसे रेसिपी बनते चलिए, राजीव सर को भी और आप लोगों को और बताते हैं। सर आप ही बताइए, संजीव जी और आपका रिलेशन के बारे में। संजीव जी और मेरा रिलेशन, संजीव कपूर के साथ मैं सन 2000 में जुड़ा था जी। और हमने खाना खजाने की शुरुआत भी वहीं से करी थी जी, जी। और खाना खजाना जो था इंडिया की टीवी हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट रनिंग कंटिन्यूस जो चला है सीरियल, वो खाना खजाना था जो 2011 तक चला। और फिर हमने अपना फूड चैनल वहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा, सो यू बीन विद हिम फॉर 20 इयर्स एंड बस अब छोले करने के लिए मैंने जो है उनसे एक परमिशन ली है कि भैया थोड़ा सा मैं कुछ कर लूँ। अच्छा, हाउ स्वीट, और उनका आशीर्वाद है इसमें पूरा। आशीर्वाद है, हाँ। और अब हमने ये भूनने के बाद पानी भी डाला है, हल्का सा पानी डाल लिया जाता है। इससे क्या होगा कि आगे का जलना भी बच जाएगा और उसको जो है एक बॉडी मिल जाएगी मसाले को। अब हम मसाले डालने शुरू करेंगे। सबसे पहले आ गया आपका ये लाल मिर्च पाउडर, कल मैंने रेसिपी में RCP लिख दिया था, रेड चिली पाउडर। सारे मेरे से पूछते हैं RCP क्या होता है जी, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर, हाँ। और ये तो आपने डालना है और फिर ये आ गया गरम मसाला। गरम मसाला,
तो हम लोग जब नॉर्मल बनाते हैं, ये हमारा छोले मसाला है जो हमने खुद बनाया हुआ है जी। ये पूरा एक घर की रेसिपी है हमारे घर की जी। और नहीं तो बाजार में ब्रांडेड भी रेडी मिलते हैं, ब्रांडेड मिल जाएगा कोई। हाँ, भी आप छोले मसाले हाँ, ले लीजिए। ये भुने हुए जीरे का मसाला है, भुने हुए जीरे का, और ये अपना नॉर्मल धनिया पाउडर है, नॉर्मल धनिया पाउडर। सो गाइस, डोंट स्ट्रेस अबाउट द मसाला ऑफ द छोले, बिकॉज गाइस इट्स अ कमर्शियल किचन, आई कैन नॉट डिस्टर्ब देम मोर, दे हैव अलाउड मी इन देयर बिजी किचन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नमक हमने स्वाद अनुसार डाल दिया जी। ये स्वाद अनुसार नमक भी संजीव जी से ही सीखा है सभी ने। और जब प्याज महंगे हो जाते हैं तो हम बोलते हैं प्याज औकात अनुसार, यस। तो भैया ये सारे मसाले डल गए, अब हल्का सा ये पानी डाल रहे हैं और इसको भी थोड़ा आप 10-15 मिनट और भूनेंगे जी। और आपकी ये ग्रेवी रेडी हो जाएगी छोले की, और देख लीजिए कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से छोले बनाना मुश्किल काम हो जी। जी, ग्रेवी रेडी हो रही है ऑलमोस्ट, ग्रेवी रेडी हो रही है ऑलमोस्ट। करीब करीब जब 10 मिनट का इसका भुनना हो जाए, जब तेल जो है मसाला छोड़ने लगे, तब आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाल दीजिए। और ये ग्रीन चिली पेस्ट जो है आपका डिसाइड करेगा कि आपके छोले तीखे बनेंगे कि मीडियम बनेंगे या बहुत कम स्पाइसी बनेंगे। कम स्पाइसी, हाँ। तो सारा खेल आपके लाल मिर्च पाउडर का है और हरी मिर्च का है। और जो 5 मिनट तक हमने इसको चला लिया है हरी मिर्ची डालने के बाद, और अब हम इसमें डालेंगे इसमें टमाटो प्यूरे। ये टमाटर को पीस लेना आपको बस, और हाँ टमाटर भी उतनी क्वांटिटी में डलता है जितने आप चने बना रहे हैं जी। ये कितने टमाटर की प्यूरी होगी? ये करीब करीब 250 ग्राम की, 250 ग्राम की। और अब आप इसे कितने देर तक भूनना होगा सर? इसको 10 मिनट और भूनना होगा, 10 मिनट भूनना है, और उसके बाद भूनना है, उसके बाद सीधे छोले का काम शुरू। ओके, हाँ, तो तेल अच्छे से छूट गया। हाँ बिल्कुल, अभी तेल अच्छी तरह से छूट गया है। अब हमारा सिर्फ एक इंग्रेडिएंट डालना बाकी है, और वो थोड़ा सा डेलिकेट इंग्रेडिएंट होता है, इसलिए हम उसको बचा के एंड में डालते हैं, और वो है अनारदाना पाउडर। क्या कह रहे थे सर? अनारदाना पाउडर। अनारदाना पाउडर, हाँ, ये जो आप अनार खाते हैं ये सूखा हुआ अनार है, और उसका दानों का जो है फिर पाउडर बनता है जी। और ये घर पे जो है आप बहुत कम क्वांटिटी में ही रखिए, क्योंकि ये जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, ये मॉइस्चर पकड़ लेते हैं जी। जी, जी। हाँ, तो इसको हम लोग एंड में डालते हैं, और ये जो है इसमें हल्का सा खट्टापन वाला जो टेस्ट लेकर आता है छोलों में। अभी सारे मसाले डल चुके हैं, सब कुछ डल चुका है, अब इसमें जो वॉल्यूम देगा इस ग्रेवी को और जो स्मूथनेस लेके आएगा वो इंग्रेडिएंट है पानी। और पानी जो है हर सिटी का हर रीजन का जो है टेस्ट चेंज करता है। हाँ। तो इसके लिए आपको अपने शहर के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से, अपने पानी के टेस्ट के हिसाब से थोड़े मसाले को ऊपर नीचे करना पड़ता है। कई जगह पे मीठा पानी आता है, और कहीं कितने जगहों में ये सारा जो है आपका खारा पानी आता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको अपनी जो रेसिपी जो है आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी जी। और अब आ गया फाइनल सर। जी अभी हीरो आ गया अपना, बॉइल्ड छोले जो है जिनको हमने 3 सिटी में निकाल दिया था, बिल्कुल गले हुए हैं, जो दीवार में चिपक जाते हैं वो छोले अब हमने डाल दिए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े दाने लग रहे हैं इसके जी। और कमाल इसी का ही होता है कि छोले जो है सारे एक साइज के दिखे। और अब ये सफ़ेद छोले जो है लाल ग्रेवी में बिल्कुल मिक्स हो रहे हैं, और एकदम डार्क ब्राउन जो है आपको असर देंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी बस ठीक करनी है, और हल्का सा टेस्ट कर लेंगे भैया कैसा। और ये अच्छी तरीके से भून लिया है, और अब अच्छी तरीके से भून चुका है। आप फिर देखेंगे कि तेल मसाला छोड़ रहा है, और ये जो है इसके पकने की पूर्णतया निशानी है जी। और अब जो है हमारे पास जो कमी है सिर्फ धनिया पत्ते और देसी घी का तड़का जी। अब देखिए इसमें हमने डाल दिए ये धनिया पत्ते, और ये अपना फ्लेवर देते हैं धनिया पत्ते। हाँ, धनिया पत्तों का कमाल होता है फ्लेवर का। और अब ये चने में जो है ये घी का आपका तड़का लग गया। क्या स्मेल, ये स्मेल, और ये जो आवाज करता है जी। इसी को तो तड़का बोलते हैं। असली घी भी लग गया है, एंड क्या खूबसूरत लग रहा है सर। वाकई में मास्क के थ्रू भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये हमारे छोले तैयार हैं। अभी इसको जो है हम अपने पत्तल की कटोरी में जी, जैसा कि हम छोले में सर्व करते हैं, वो डाला जा रहा है। आप देखिए इसको,
तो भाई गर्मा गर्म छोले तो बन चुके हैं, लेकिन अब भटूरे कैसे बनेंगे, वो भी छोले स्टाइल भटूरे, ये अब देखते हैं। चलिए सर बताइए क्या क्या करना होगा। भटूरे के लिए तो कुछ नहीं करना है, भटूरे के लिए सिर्फ आटा गूंदना है और आटा गूंद के उसके पेड़े बनाने हैं, पेड़े बनाने के बाद उनको बेलना है, बेलने के बाद तल लेना, भटूरे रेडी। ओके हाँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। भटूरे में क्या क्या जाता है आप देख लीजिए, ये है मैदा, मैदा है हाँ, बाजार में आपको जो मैदा मिलता है आप अच्छी क्वालिटी का मैदा ले लीजिए। ये रही सूजी, सूजी है हाँ, सूजी हम लोग को लेना है, नमक डलेगा इसमें, दही डलेगी, चीनी डलेगी और दो को एंड में हम लोग फिर से हम प्योर घी यूज करेंगे इसको आटा को गूंदने में। ओके ओके लेट्स गो फॉर इट। ये इन्होंने मैदा डाल लिया है परात में, और एक किलो अगर मैदा, अगर एक किलो हमको डो बनाना है तो 850 ग्राम सूजी डलेगा, 850 ग्राम मैदा डलेगा और 150 ग्राम सूजी डलेगी। अच्छा हाँ, ये रेशियो में आपको बनाना है। ये अभी 850 ग्राम है, ये 850 ग्राम मैदा हुआ और 150 ग्राम सूजी डलेगी, तब ये आपका 1 किलो का मिक्सर रेडी होगा। ओके, और इसमें जब आपका डो रेडी हो जाएगा वो करीब करीब 1.5 किलो बनेगा, 1.5 किलो डो, और 1.5 किलो में आपके 25 भटूरे बन जाएंगे बड़े आराम। और अब इसमें नमक मिलाया जा रहा है जो करीब करीब 15 ग्राम जितना होगा। 15 ग्राम नमक डाला गया, इसके अंदर हम लोग दही और चीनी का मिश्रण डालेंगे जी। दही के अंदर आपको चीनी को डिसॉल्व कर लेना है। अच्छा। हाँ, तो दही करीब करीब 1 किलो में 50 ग्राम दही डल जाती है और 22 ग्राम जितनी चीनी डल जाती है। अच्छा, ये 22 ग्राम आपने चीनी लेनी है। हाँ, और इनकी वजह से जो भटूरे के आटे में खमीरा उठता है जी, वो इसकी वजह से ही उठेगा। खमीरा इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन, ओके। जैसे ब्रेड में होता है वैसे इसके आटे में भी होता है। और आपको इंस्टेंट प्रोसेस करना है तो आप इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या दोनों भी डाल सकते हैं, बट टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, टेस्ट में हल्का सा खट्टापन आएगा, खमीरापन आएगा जी। तो ये जो आपका है ऑर्गेनिक प्रोसेस, ये ऑर्गेनिक प्रोसेस। इन्होंने दही में चीनी को घोल लिया है और अब ये जो है इसमें जो आटा गूंदने जा रहे हैं भटूरे का उसमें डालेंगे। अब ये इसको मिक्स करेंगे और जितना पानी इसकी आवश्यकता होगी उतना पानी डाल के ये डो बनाना है, बहुत ही सॉफ्ट डो बनाना है जी। और इस डो को बनाने के बाद हम उसको 10 मिनट का आराम देंगे। अच्छा, ये डो बनाने के बाद 10 मिनट का आराम देंगे और उस आराम देने के बाद इसमें घी ऐड किया जाएगा। अच्छा, और घी ऐड करने के बाद फिर 1 घंटे का आराम देना होता है इसको। अच्छा हाँ, तब जाके आपका पहला भटूरा फ्राई होगा। तो आप 1.5 घंटे का टाइम लेके चलिए, जब आपको भटूरा खाना हो उससे कम से कम 1.5 घंटे पहले ये आपका आटा लग जाना। और ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स, पानी हाँ पानी आप डालते रहिए और पानी कम डालिए क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब पानी ज़्यादा हो गया, फिर आटा जो है वो गीला हो गया, तो ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा हाँ, क्योंकि आटा एक बार को कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला होना, हाँ। इसका यही मतलब है कि अगर पानी ज़्यादा डल गया अच्छा। फिर गए काम से आप। अच्छा। फिर आटे डालते रहिए और वो गूंथते रहिए। अब ये आटा रेडी हो गया है, अब हम इसको बिल्कुल एक जैसे माउंटेन बनता है वो बना के इसके ऊपर एक गीला मलमल का कपड़ा लगा के इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट का रेस्ट है, माउंटेन ऐसे बनाइए। अच्छा, डोंट स्किप द प्रोसेस गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये बताए जा रहे हैं, आप एक नई रेसिपी सीख रहे हैं, एक नया तरीका सीख रहे हैं। और ये देखिए, दिल्ली वाले देख रहे हैं तो देख लो भाई बम्बई में कैसे बन रहे हैं छोले भटूरे, आई एम श्योर आप लोग बहुत कमेंट करोगे। अच्छा, और अब 1 घंटा हो गया है एंड आपका डो कुछ ऐसे लगेगा, ये देख सकते हैं आराम से। एंड अब भटूरा इज फ्लफी, खूबसूरत वाइट और हल्का सा ब्राउनिंग है। गाइस, डू थैंक द एंटायर टीम ऑफ छोले फॉर शेयरिंग द रेसिपी विद अस, थैंक यू सो मच यार।
सो गाइस व्हाट टाइम इज इट, इट्स माय फेवरेट टाइम, जब मैं ये छोले भटूरे खाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका स्वाद कैसा है। आई एम राइट नाउ हियर एट छोले एंड ये देखिए क्या प्रेजेंटेशन है भाई, प्रेजेंटेशन को तो फुल मार्क्स, ऐसे गर्मा गर्म आपको तीन भटूरे मिल जाएंगे 260 रुपए में। एंड चलिए अब इसका स्वाद कैसा है, ये भटूरा मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ और लुक एट दिस, साइज एक समान, गर्मा गर्म आकर ये आई एम श्योर आप तक भी स्वाद पहुँच गया होगा। मजा है, जबरदस्त, पैसे वसूल, कौन सी चक्की का आटा है ये? आपने तो मेरी सारी चक्कियां देख ली हैं। अब कोई सीक्रेट बाकी नहीं बचा है। ये हाथ हमका दे दे ठाकुर, मैं नहीं चाहूंगा। इनफैक्ट आपने सबको दे दिया अपना हाथ ना, सबको दे दिया, सबको रेसिपी बता दी। सर क्या कर दिया, इतना बढ़िया सीक्रेट बता दिया आपने, थैंक यू सो मच गाइस। अरे कोई बुजुर्ग आएगा तो उसे चबाने की भी जरूरत नहीं होगी, इट्स मेल्टिंग इन द माउथ। वो मैंने बताया था ना दीवार वाला टेस्ट। दीवार पे मार के, दीवार पे मारो सच में, मतलब ये देखो ये आपने बस मस्त है सर, मेरे मुंह में पानी।